हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरेसी मैथ्स क्लासेस। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.7। ऑप्शनल है जो कि, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसका सेवन क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में दोनों मेथड से सॉल्व कर चुकी हूँ। इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से। ओके, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं उसे एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करूंगी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो, एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, ये तो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन है, तो इससे तो कुछ हमें करना नहीं है। अब ये इक्वेशन जो है अपॉन में ए एंड बी है। देखो, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, आप ये मत सोचना है जो 3.6 एक्सरसाइज में थे उस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जो हमारे एक्स वाई वेरिएबल होते थे वो नीचे होते थे, इसलिए हम उन्हें 1 बाय एक्स को लेट करते थे। बट यहाँ क्या है, एक्स एंड वाई ऊपर ही है, कांस्टेंट है वो नीचे, और कांस्टेंट नीचे थे तो हम क्या करते थे गाइस, एलसीएम लेते थे। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। देखो, एलसीएम लेंगे नीचे ए इंटू बी आएगा, मल्टीप्लाई करते थे, जब वो एलसीएम समझ में नहीं आता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए से ए कैंसिल, बी मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स क्यों कैंसिल हुआ गाइस, क्योंकि ए से जब हम डिवाइड करेंगे, लाइक ए बी ये है, ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो ए से ए कैंसिल बचा बी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को तो बी एक्स माइनस, ऐसे ही बी से ए बी जब डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, बचेगा ए, ए वाई इज इक्वल्स टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जीरो के नीचे कुछ नहीं, वन ले लेंगे तो जीरो पॉइंट वन जीरो होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये टर्म वन से मल्टीप्लाई होगी, गाइस जीरो पॉइंट जीरो हम नहीं लग सकते, क्योंकि जीरो बाय जीरो जब फॉर्म होती है वो डिटरमाइन नहीं होती है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज मत होना, जीरो के पॉइंट में हम वन ही लिखेंगे, जब कुछ भी नहीं होता तो अपॉन में हम ऑब्वियसली बात है वन ही लेट करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वन से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी इंटू जीरो इज जीरो। तो गाइस, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने वाले जिसमें कॉन्स्टेंट हमारी इस साइड होती है, तो ये हो जाएगी देखो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस, पूरी टर्म है तो इसलिए ब्रैकेट में आएगी, ये ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी टर्म उठ के लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो माइनस साइन इस पूरे के साथ होगा, इक्वल टू जीरो। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है गाइज, अब देखो क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, एक्स वाई वन, एक्स के नीचे एक्स के कोएफिशिएंट से इग्नोर करो, वाई के कोएफिशिएंट लिखो पहले यहाँ पे, देन कॉन्स्टेंट टर्म्स को लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो वाई के कोएफिशिएंट लिखती हूँ मैं, क्या है माइनस ए बी। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट क्या है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं, इट मीन्स क्या है जीरो, नीचे क्या है माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके गाइज, नाउ कम टू वाई, वाई के मतलब वाई के कोएफिशिएंट को इग्नोर करना होगा, तो पहले एक्स के कोएफिशिएंट लिखना है, एक्सएम ऑलरेडी सॉरी एक्स के कोएफिशिएंट लिखने हैं, और क्या लिखना है कांस्टेंट टर्म को। अब कांस्टेंट टर्म मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो मैं कांस्टेंट टर्म यहाँ लिख दिया है, तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगी एक्स कोएफिशिएंट को, जो कि है बी एंड ए। अब बारी आती है कांस्टेंट की, अब देखो कांस्टेंट को इग्नोर करना है, कोएफिशिएंट किसके आएंगे एक्स एंड वाई के, एक्स के ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं बी एंड ए, है ना, तो वाई के आएंगे माइनस ए एंड बी, माइनस ए एंड बी। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, जब नीचे से ऊपर प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, ऐसे यहाँ ऐसे ही यहाँ, तो इसे लिखते कैसे गाइस, देखो x अपॉन माइनस से इंटू दिस टर्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस प्लस, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b इंटू जीरो, तो दैट इज जीरो इज इक्वल्स टू y अपॉन जीरो इंटू ए, जीरो ही होगा, जीरो से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड हो आंसर इज जीरो, माइनस b इंटू माइनस ऑफ दिस टर्म, b इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन b इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखो x अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे रहने देती हूँ उसे, इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस माइनस प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो साइन बीच में नहीं आएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करते क्या, इसको वन लेट कर लेते हैं, इसको टू एंड इसको थ्री, तो x की वैल्यू निकालने के लिए वन और थ्री को इक्वेट करते हैं, और y की वैल्यू निकालने के लिए टू एंड थ्री को इक्वेट करते हैं। सो फ्रॉम वन एंड थ्री व्हाट विल बी गेट, x अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये जब मैं इस साइड ले जाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन a, मैं पूरी टर्म को ले जाती हूँ, ओके, तो यहाँ जाएगा a
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्यों लाए यहाँ, क्योंकि अभी ये टर्म डिवाइड में थी, तो इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, अपॉन में ये टर्म एज इट इज से कैंसिल, एक्स वैल्यू क्या मिल गई गाइज हमें ए। अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए किसको इक्वेट करना है आपको, टू एंड थ्री को, सो फ्रॉम टू एंड थ्री y अपॉन सिमिलरली बिल्कुल इसी की तरह करना है, इधर लिख लो इज इक्वल्स टू ये इधर लिख लो, y के लिए निकाल तो y को इधर रखो, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी x के लिए किया ना वैसे ही करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया कैंसिल, तो y के लिए क्या आ गई b। तो गाइज ये था हमारा सेवन्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आई होप आप लोगों को डाउट नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ पहले मैंने एलसीएम ले लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था तो कॉन्स्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले और देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दिया है। गाइज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, और आपको कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।